नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यादव पांडे। स्वागत है मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेट के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क में नेट क्या होता है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में एड्रेसिंग और प्राइवेट IP और पब्लिक IP के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को, आज के जो यहाँ नेट वाली वीडियो है, इसको देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आज का क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज नेट, कंप्यूटर नेटवर्क में नेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं नेट का फुल फॉर्म क्या होता है। जो नेट है उसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये तो हुई नेट के फुल फॉर्म के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं नेट के बारे में और कुछ जानकारी। ठीक है, तो जब इंटरनेट का विकास हुआ उस टाइम आईपी वर्जन 4 आया। ठीक है, जब शुरुआती दौर में जब इंटरनेट का विकास हुआ उस टाइम आईपी वर्जन 4 आया। ठीक है, ये कब आया? आईपी वर्जन का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये 1983 में आया। ठीक है, और इसको डेवलप करने वाला कौन सी कंपनी थी? अर्पानेट। ठीक है, जो आईपी वर्जन 4 है इसके द्वारा हम लगभग 4 अरब के आसपास एड्रेस, आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे इंटरनेट का विकास होते गया, इंटरनेट और भी अधिक डेवलप होते गया, तो जो आईपी वर्जन 4 है इसमें हम लगभग 4 अरब के आसपास आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते थे। तो जो आईपी वर्जन 4 है वो हमारे लिए लिमिट हो गया। ठीक है, बाद में हमको धीरे धीरे आईपी वर्जन 4 के जो 4 अरब थे इससे भी ज़्यादा हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ने लगी। तो INA ने देखा कि अब हमारा जो इंटरनेट है वो डेवलप हो गया है, अब हमारे पास जो आईपी वर्जन 4 है ये हम इस आईपी वर्जन 4 के माध्यम से लगभग 4 अरब आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए INA ने क्या किया? प्राइवेट आईपी। ठीक है, INA ने प्राइवेट आईपी को विकसित किया और साथ ही साथ आईपी वर्जन 6 का डेवलप किया गया। ठीक है, आईपी वर्जन 6 कब आया? ये आया 1994 के आसपास। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए INA ने प्राइवेट आईपी बनाया। ठीक है, और साथ ही साथ आईपी वर्जन 6 को भी विकसित किया। फिलहाल अभी हम आईपी वर्जन 4 का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कमिंग सून है, अर्थात फ्यूचर में जो आईपी वर्जन 6 होगा ये क्या होगा? फ्यूचर में जो आईपी वर्जन 6 होगा ये अनलिमिटेड होगा, इसके माध्यम से हम बहुत सारी आईपी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट आईपी होता है वो क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, प्राइवेट आईपी को हम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आईपी वर्जन 4 की बात। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, नेट का पूरा नाम होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, शुरुआती दौर में आईपी वर्जन 4 का डेवलप किया गया, कब? 1983 के आसपास। ठीक है, और इसको डेवलप करने वाली कंपनी का क्या नाम है? अर्पानेट। ये लगभग इस आईपी वर्जन 4 के माध्यम से हम लगभग 4 अरब आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नेटवर्क या इंटरनेट का विकसित हुआ या इंटरनेट का प्रचलन बढ़ते गया, तो जो 4 अरब आईपी है
उसके माध्यम से हम उससे ज़्यादा आईपी एड्रेस जनरेट नहीं कर सकते। तो क्या प्रॉब्लम सामने आया कि जो आईपी वर्जन 4 है वो हमें जो इसके माध्यम से हम जो आईपी एड्रेस जनरेट कर रहे हैं वो हमारे लिए कम पड़ती जा रही है। ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए IANA ने क्या किया, पहला प्राइवेट आईपी बनाया, ठीक है, और सेकंड आईपी वर्जन 6 का डेवलप किया। ठीक है, जो आईपी वर्जन 6 था वो 1994 के आसपास विकसित किया गया। ठीक है, ये अभी तो यूज़ नहीं हो रहा है, बट फ्यूचर में क्या होगा, आईपी वर्जन 6 का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में होने वाला है, क्योंकि आईपी वर्जन 6 का यूज़ करते हुए हम अनलिमिटेड आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट आईपी होता है वो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, चलिए आगे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस के कुछ क्लास लिखे हैं जो कि 3 भागों में बटा होता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, और इसका रेंज मैंने लिखा है 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा और जो इसका एंड होगा वो कितना से होगा, 10.255.255.255। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्लास बी है प्राइवेट आईपी में, जो क्लास बी है इसका स्टार्टिंग कितना से हो रहा है, 172.16.0.0। ठीक है, और एंड किससे हो रहा है, 172.31.255.255। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्लास सी है इसका स्टार्टिंग हो रहा है 192.168.0.0 और एंडिंग कितना से हो रहा है, 192.168.255.255। ठीक है, ये तो कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस के क्लास हैं और उसकी रेंज ये है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास ठीक है बहुत सारे कंप्यूटर हैं, अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं और सभी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं ये इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, किसके थ्रू, प्राइवेट आईपी के थ्रू। इसका बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे लैन और मेन। ठीक है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसमें प्राइवेट आईपी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्राइवेट आईपी, जो प्राइवेट आईपी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात मुफ्त में मिलते हैं। ठीक है, तो जो प्राइवेट आईपी होता है उसके माध्यम से हम डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते, इसके लिए हमको क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। प्राइवेट आईपी से हम डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो क्या चाहिए, हमको एक पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट है। ठीक है, ये जो प्राइवेट आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है, ये डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्राइवेट आईपी चिप को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमको पब्लिक आईपी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्राइवेट आईपी को चलाने के लिए हमको चाहिए एक नेटवर्किंग डिवाइस। क्या चाहिए, नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए। ठीक है, अब नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में हम यहाँ पर मान लो राउटर ले लेते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में हमने राउटर ले लिया। अब इस प्राइवेट आईपी जो कि लैन में जुड़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर कनेक्ट है वो किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्ट है, और इसके इनके पास क्या है, प्राइवेट आईपी है। तो प्राइवेट आईपी से हम डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमको इंटरनेट चाहिए तो क्या करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि राउटर, ब्रॉडबैंड, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसमें
कौन सा आईपी रहता है राउटर में, पब्लिक आईपी। राउटर में जो आईपी होता है वो किस टाइप का आईपी होता है, पब्लिक आईपी, जिसको हमको खरीदना पड़ता है। पब्लिक आईपी को INA से खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट आईपी है, इन चूंकि इन सिस्टम में क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये आपस में प्राइवेट आईपी एड्रेस के द्वारा कनेक्टेड है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब ये तो डायरेक्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस से इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए या ट्रांसमिशन डिवाइस चाहिए, ठीक है, या नेटवर्क डिवाइस चाहिए। तो नेटवर्क डिवाइस के रूप में हमने क्या लिया, एक राउटर का एग्जाम्पल लिया। राउटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। तो जो राउटर है उसमें कौन सा आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ तो प्राइवेट आईपी एड्रेस था, बट जो राउटर है उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस है, जिसको हमने परचेज किया है, ठीक है। तो जो राउटर है वो क्या काम करता है, प्राइवेट आईपी को, प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, पब्लिक आईपी में, ठीक है। इसके लिए हमको चार्जेस देना पड़ता है, INA से हमको उस नेट को खरीदना पड़ता है, नेटवर्क खरीदना पड़ता है, तब जाके जो राउटर है उसको क्या मिल जाती है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। कितना आप लोगों को समझ में आया होगा, जो एक प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर है जो इंटरनेट को आपस में एक्सेस कर पा रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड रहेंगे, राउटर से। और जो प्राइवेट नेटवर्क में या जो प्राइवेट आईपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, ये राउटर से कनेक्टेड हो गए होंगे। फिर राउटर क्या करेगा, राउटर के पास पब्लिक आईपी है, ठीक है। राउटर इन प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करने का काम करेगा और ये इंटरनेट को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपका प्राइवेट आईपी हो गया, बट जो राउटर आया बीच में वो क्या करेगा, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा और इंटरनेट को एक्सेस कर सकेगा। इस प्रकार से जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो वर्क करता है। इनका मेन कार्य क्या है, प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना किसमें, पब्लिक आईपी में, ठीक है, और उस इंटरनेट को एक्सेस करना, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जाना नेट क्या होता है, नेट का पूरा नाम क्या होता है, और नेट को हम किस प्रकार से प्राइवेट आईपी को हम पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हमने डिटेल रूप से जाना। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ क्लास समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, और अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लें नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।